संताप और ग्लानि के सागर में डूबते उतराते सुमंत्र ने सारा दिन अयोध्या नगरी के बाहर एक पेड़ की छांव में बैठकर बिताया। जब शाम का अंधकार घिरने लगा तो उन्होंने नगर में प्रवेश किया। महामंत्री का अकेले वापस आना सुनकर रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल प्रेतों के निवास स्थल जैसे लगने लगे। सुमंत्र को मौन तथा व्याकुल देखकर रानी कौशल्या उन्हें अपने महल में लिवा ले गईं। वहां का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक है। आभूषण रहित मलिन राजा दशरथ धरती पर पड़े हैं। वाणी के नाम पर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी मात्र यही शब्द सुनाई पड़ते हैं। सुमंत्र ने जय जीव कहकर प्रणाम किया तो राजा ने उठकर उन्हें हृदय से लगा लिया। सचिव आगमन सुनत सब विकल भयउ रनिवास भवनु भयंकर लागते ही सब पूछहि रानी उतरु नाव बिकल भई बानी सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा कहु कहाँ निपुते ही तेही बूझा दासिन देख सचिव बिकलाई कौशल्या गृह गई नवाई जाई सुमंत्र देख कस राजा अमीय रहित जनु चंदु बिराजा आसन शयन विभूषण हीना परे भूमि तल निवट मलीना ले सासु सोच एहि भांति सुरपुर जनु कसे उच जाती लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती जनु जरी पंख परे संपाती राम राम कह राम सनेही उनी कह राम लखन बैदेही सचिव जय जीव कही कीन्हे उदंड प्रणाम सुनत उठे व्याकुल नृपति कहु सुमंत्र Thank you.
सुमंत्र लीन उरलाई पूरत कछु अधार जनु पाई सहित स्नेह निकट बैठारी पूछत राव नयन भरी बारी राम कुशल कहु सखा स्नेही कह रघुनाथ लखनु वैदेही आने फेरी की बनही सिधाए सुनत सचिव लोचन जल छाए शोक विकल पुनि पूछ नरेशु कहु सिय राम लखन संदेशु राम रूप गुणशील स्वभाव सुमिरि सुमिरि उर सोचत राव राव सुनाई दीन बनवासु सुनि मन भयउ न हर्षु हरासु सो सुत बिछुरत गए न प्राणा को पापी बड़ मोहि समाना चाहत जनन अब प्राण कहूं सति छत मंत्री हीराऊ प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ कर ही सखा सुई बेगी उपाऊ राम लखन सिय नयन सचिव धीर धरि कह मृदुवाणी महाराज तुम पंडित ज्ञानी वीर सुधीर धुरंधर देवा साधु समाज सदा तुम्हा सेवा जन्म मरण सब दुख सुख भोगा हानि लाभ प्रिय मिलन पियोगा काल कर्म बस हो ही गोसाई बर बस राति दिवस की नाई हर खही जड़ दुख बिल खाही दो समधीर धरही मन धीरज धरहु विवेकु विचारी छाड़ी सोच सकल हितकारी श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को वन की मात्र एक झलक दिखाकर लौटा लाने में
जैसा राजा दशरथ ने चाहा था, सुमंत्र सफल नहीं हुए। शोक और संताप की मूर्ति सुमंत्र महाराज के सम्मुख उपस्थित होकर उस करुण दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम ने कहला भिजवाया है कि पिता के अनुग्रह से वन में उन्हें सभी प्रकार से सुख मिलेगा। पिता की आज्ञा का पालन कर वे सकुशल वापस लौट आएंगे। नगरवासियों के लिए उन्होंने विनय पूर्वक अनुरोध किया है कि वही लोग उनके परम हितैषी होंगे जो सब प्रकार से महाराज को सुखी और संतुष्ट रखेंगे। प्रिय अनुज भरत के लिए संदेश है कि राज्याभिषेक हो जाने के बाद भी वे नीति के मार्ग पर चलकर मन वचन और कर्म से प्रजा का पालन और माताओं का सम्मान करें। प्रथम वासुतम सा भयउ दूसर सुर सरितीर नाई रहे जल पानु करि सिंह समेत दो बीर। केवट कीन्ही बहुत सेवकाई सो जामिनी सिंह और गवाई होत प्रात बट झीरु मगावा जटा मुकुट निज शीस बनावा। राम सखा तब नाव मगाई प्रिया चढ़ाई चढ़ेर खुराई लखन बानु धनु धरे बनाई आपु चढ़े प्रभु आय सुपाई। बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा बोले मधुर वचन धरि धीरा तात प्रणाम तात सन कहे हु बार बार पद पंकज गहे हु। पाय परि विनय बहोरी तात करिय जनि चिंता मोरी बन मग मंगल कुशल हमारे कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हो प्रतिपाली आय सुकुशल देखन पाय पुनि फिर आई हो जननी सकल परितोषी परि परि पाय कर बिनती घनी तुलसी कर हु सोई जतनु जेहि कुशली रहही कोसल धनी। गुरसन कहब संदेशु बार बार पद पदुम कही कर बसोई उपदेश जिहिन सोच मोहि अवधपति। जन परिजन सकल निहोरी तात सुनाए हु बिनती मोरी सोई
सब भांति मोर हितकारी, जाते रहन रनाहु सुखारी। कह बसंदेशु भरत के आए, नीतिनत जिय राजपदु पाए। पालहु प्रजहि करम मन बानी, सेहु मातु सकल समजानी। और निबाहेहु भायप भाई, करिपितु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति ते ही राखब राऊ, सोच मोर जेही करन काऊ। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजि राम पुनि मोहिनी होरा। बार बार निज सपथ देवाई, कह बिनतात लखन लरिकाई। कछु कहन लिया सिय भय शिथिल सनेह, थकित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह। सर रघुबर रुख पाई, केवट पार ही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले ही भांति, देख उठाढ़ कुलिस धरि छाती। मैं आपन किमि कहूं कलेसु, जियत फिरऊ ले राम संदेशु। अस कही सचिव बचन रही गयउ, हानि गलानी सोच बस भयउ। सूत बचन सुनत ही नर नाहु, पर उधरनी उर दारुन दाहु। तलफत विषम मोह मन मापा, मा जा मन हुमी न कहूं ब्यापा। करि बिलाप सब रो वही रानी, महाविपति किमि जाई बखानी। सुनि बिलाप दुख हु दुख लागा, धीरज हु कर धीरज भागा। सुमंत्र से राम लक्ष्मण और सीता के वनगमन का वृत्तांत सुनकर
राजा दशरथ के हृदय में हूक उठती है और वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। रानियां विलाप कर उठती हैं। रानी कौशल्या अंतस में उठती व्यथा और सजल नेत्रों से सूर्यकुल का अंत होता देख रही है। महाराज को वो धीरज बंधा रही हैं। राम वियोग के अथाह सागर में डूबते अयोध्या रूपी जहाज के वे ही एकमात्र कर्णधार हैं। यदि उन्होंने भी धैर्य छोड़ दिया तो सबका डूब जाना निश्चित है। रानी के सांत्वना भरे वचन सुनकर महाराज आंखें खोलते हैं। उनकी जिह्वा पर मात्र एक ही रट है, राम कहाँ हैं? कहाँ हैं लक्ष्मण और उनकी प्रिय बहू जानकी? उनके सजल नेत्रों में वर्षों पहले का चित्र उभरता है, श्रवण कुमार के पिता अंधे तपस्वी का अभिशाप। रानी कौशल्या को वो दुखद कथा सुनाते हुए पुत्र विरह में शरीर त्याग महाराज दशरथ सुरलोक सिधार जाते हैं। भयउ कोलाहल अवधति सुनि नृप राउर सोरु विपुल पिहग बन परेउ निसि मानहु कुलेश कठोरु। प्राण कंठगत भयउ भुआलु मणि विहीन जनु व्याकुल व्यालु। इंद्री सकल बिकल भई भारी जनु सर सर सिज पनु बिनु बारी। कौसल्या नृपुदी खमलाना रबि कुल रबि अथ यऊचिय जाना। उरधर धीर राम महतारी बोली बचन समय अनुसारी। नाथ समुझे मन करिय विचारू राम वियोग अयोध्या पारू। करन धार तुम्हा अवध डहाजू चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजू। धीरज धरिय कपाई अपारू नाहित बूढ़ी सब परिवार। जो जिया धरिया विनय पिया मोरी राम लखनु सिया मिलही बहोरी। प्रिया बचन मृदु सुनत नृपु चितयउ आँखि उघारी। तलफत मीन मलिन जनु सीचत शीतल बारी। सनेही कह प्रिय पुत्र बधू बैदेही। बिलपत राउ बिकल बहु भांति भई जुग सरिस सिराती नराती। तापस अंध साप सुधि आई कौसल्य ही सब कथा सुनाई। भयउ बिकल बरनत इतिहासा राम रहित
जीवन आसा सो तनु राखी करब मैं कहा जिन प्रेम पनु मोर निबाहा हार खुनंदन प्राण पीरीते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते हा जान के लखन हार खुपर हा पितु हित चित चात जलधर राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरि रघुबर बिरह राव गय जियना मरण फलु दशरथ पावा अंड अनेक अमर जसुचावा जियत राम विधु बदनु निहारा राम विरह करि मरनु सवारा शोक बिकल सब रो रानी रूप सीलु बलु तेज बखानी करही बिलाप अनेक प्रकारा करही भूमि तल पारही बारा बिलपही बिकल दास रुदासी घर घर रुदनु करही पुरवासी अथयवाजु भानु कुल भानु धर्म अवधि गुण रूप निधानु गारी सकल कई कई देही नयन बीन की न जग देही एही विधि बिलपत रैनी बिहानी आहे सकल महामुनि ज्ञानी पुत्र वियोग में राजा दशरथ का देहांत हो चुका है। शोक संतप्त अयोध्यावासी और महलों में रानियां विलाप कर रही हैं। सभी लोग कैकई की भर्त्सना कर रहे हैं जिसने जैसे संसार भर की दृष्टि ही छीन ली है। किंतु जगत अपनी गति से चलता रहता है। कुलगुरु वशिष्ठ ने समयानुकूल वचनों द्वारा ज्ञान विज्ञान के प्रकाश से सबके शोक का अंधकार दूर कर तेल भरी नौका में राजा के पार्थिव शरीर को रखवाया। फिर ननिहाल से भरत तथा शत्रुघ्न को तत्काल बुलाने के लिए दूत भेजे, किंतु उन्हें आदेश दिया कि वहां महाराज की मृत्यु का समाचार उन्हें न सुनाए। दोनों भाइयों से मात्र इतना कहना है कि कुलगुरु ने बुला भेजा है। इधर अयोध्या में जब से अनर्थ प्रारंभ हुए तभी से भरत को अपशकुन होने लगे थे। उन्हें भयंकर स्वप्न आते और नींद उचट जाने पर अशुभ कल्पनाएं मन में जगने लगती थी। वो अनिष्ट शांति के लिए तरह तरह के उपाय करते, दान पुण्य तथा भगवान शंकर से माता पिता और भाइयों के कुशल क्षेम की प्रार्थना करते। दूतों से संदेश सुनकर दोनों भाई वायुवेग से अयोध्या लौट चले। नगर में प्रवेश करते ही चारों ओर उन्हें अपशकुन दिखने लगे। Thank you.
वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास शोक निवार उसबहि कर निज विज्ञान प्रकाश। तिल नाव भरी नृप तनु राखा दूत बुलाई बहुरिय सभाखा धावहु बेगी भरत पही जाहू नृप सुधि कतहु कहु जनिकाहू। इतने ही कहेहु भरत सन जाई गुर बुलाई पठयउ दो भाई। सुनि मुनि आयसु धावन धाये चले बेग बरबाजी ल जाए। अनरथु अवध अरंभे जब ते उस गुण हो ही भरत कहूं तब ते देख ही राति भयानक सपना जाग करही कटु कोटि कल्पना। विप्रजेवाई देही दिन दाना शिव अभिषेक करही विधि नाना। माँ कही हृदय महेश मनाई कुशल मातु पितु परिजन भाई। सोचत भरत मन धावन पहुँचे आई गुर अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाई चले अस जा नहीं जिया जाऊं उड़ाई एक निमेश बरस समझाई। एही विधि भरत नगर निहराई अस गुन हो ही नगर पैठारा खेत करारा। खरसियार बोल ही प्रतिकूला सुनी सुनी हो भरत मन सूला। श्री हत सर सरिता बन बागा नगरु विशेषी भयावन खगम गहय गय जाहि न जोए। राम बियोग कुरोग बिगोए नगर नारी नर निपट दुखारी मनहु सबन ही सब सम
गत कुशल पूछी न सकही भय विषाद मन माही। सुत सुनि कै कय नंदिनी अरशीर विकुल जल रुह चंदिनी सजे आरती मुदित उठि धाई द्वार ही भेटी भवन दे आई भरत दुखित परिवारु निहारा मानहु तुहिन बनज बनु मारा शित एहि भांति मनहु मुदित दव लाई किराती सुतहि ससोच देखी मनु मारे पूछती नहीं हर कुशल हमारे सकल कुशल कही भरत सुनाई पूछी निज कुल कुशल भलाई कहू कहाँ तात कहाँ सब माता कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता ननिहाल से अयोध्या लौटते हुए भरत को चारों ओर अपशकुन दिखाई देते हैं। नगरवासी मिलते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं, मात्र अभिवादन कर चल देते हैं। महल में पहुंचकर भरत को माता कैकेयी अति प्रसन्न दिखाई पड़ी। पिता, भाइयों तथा अन्य माताओं का कुशल पूछने पर बोली, हे तात, मैंने मंथरा की सहायता से सारी बात बना ली थी, किन्तु विधाता ने बीच में ही बात बिगाड़ दी। राजा देवलोक को सिधार गए। भरत के कानों और हृदय में माता के वचन शूल की भांति चुभे। करुणा करते हुए वे जमीन पर गिर पड़े। पिता के स्वर्गवास के क्षणों में वे उनके पास नहीं थे, शोक मग्न पुत्र को अपना सिर धुनने के लिए इतना ही कारण पर्याप्त था। माता से संपूर्ण घटनाक्रम का विवरण सुनकर भरत क्षण भर को पिता का मरण भूल गए। जो अनर्थ हो गया था उसका कारण उन्होंने स्वयं अपने आप को मान लिया। माता ने जो सांत्वना भरे वचन कहे वो उन्हें अपने घाव पर नमक के समान लगे, मानो रिश्ते घावों को अंगार छू गया हो। पापिनी, तूने सारे कुल का सर्वनाश कर दिया। यदि तेरी यही नियत थी तो जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? जब तूने मन में ये ठाना तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? सुनि सुत बचन सने हमय कपट नीर भरी नैन भरत श्रवण मन सु पापिनी बोली बैन। तात बात में सकल सवारी है मंथरा सहाय बिचारी छुप काज विधि बीच बिगारे भूपति सुरपतिपुर पगुधारे
रस विषादा जनु सहमेउ करि के हरिनादा तात तात हा तात पुकारी परे भूमि तल व्याकुल भारी चलतन देखन पायूं तो ही तातन राम ही सौंपे हूँ मोही बहुर धीर धरि पुढ़े संभारी कहु पितु मरन है तुम तारी सुनी सुत वचन कहती कहके मरम पाछी जनु माहुर दे आदि होते सब आपनी करनी कुटिल कठोर मुदित मन बरनी भरत ही बिसरे पितु मरन सुनत राम बन गौन हे तू अपन पौ जानी जिया थकिता रहे सुतही समुझावती मनहु जरे पर लूनु लगावती तात राव नहीं सोचे जोगु बिढ़ई सुकृत जसु कीने उभोगु जीवत सकल जन्म फल पाए अंत अमर पति सदन सिधाए अस अनुमानी सोच परिहरहु सहित समाज राजपुर करहु सुनी सुखी सहमेउ राजकुमारु पाके छत जनु लाग अंगारु धीरज धरि भरि लेही उसासा पापिनी सबहि भांति कुल नासा जो पे कुरुचि रही अति तो ही जन्मत का है न मारे मोही पेड़ काटी तें पाल उसी चा मीन जियन निति बारी उली चा सरथु जनकु राम लखन से भाई जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाई जब तैं कुमति कुमत जी अखयऊ खंड खंड होई रुदऊ न गयऊ बर मागत मन भई नहीं पीरा गरि न जी हम परे उन कीरा भूप प्रतीति तोर की मिकी
नहीं। मरण काल विधि मति हरि लीनी, विधि हुन नारी हृदय गति जानी। सकल कपट अघ अवगुण खानी, सरल सुशील धर्म रतराऊ। सो कि मिजानै दीय सुभाऊ, अस को जीव जंतु जग माही। जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही, भेयति अहित राम देउ तोही। को तू अहसि सत्य कहु मोही, जो हसी सो हसी मुह मसिलाई। आँखी ओठ उठी बैठ ही जाई, भरत अपनी माता कैकेयी के कठोर आचरण से क्षुब्ध होकर आत्मग्लानि की आग में जल रहे हैं। पति समेत पूरे कुल का सर्वनाश कर डालने वाली माता की कोख से जन्म लेना उनके लिए घनघोर पातक सिद्ध हुआ है। पश्चाताप की ज्वाला शांत नहीं होती। मन में ये धारणा पुष्ट होती जा रही है कि उनसे बड़ा पापी इस जगत में कोई नहीं है। शत्रुघ्न भी माता की कुटिलता सुनकर जल रहे हैं, किंतु उनका वश नहीं चलता कि क्या करें। कि तभी कुबड़ी मंथरा भांति भांति के सुंदर वस्त्रों और आभूषण से लदी फदी उनके सामने आ गई। शत्रुघ्न का क्रोध अपनी सीमा पार कर गया, मानो आग को आहुति मिल गई हो। उन्होंने उसके कुबड़ पर जोर से एक लात मारी। चीखती चिल्लाती मंथरा जो धरती पर गिरी तो कुबड़ फूट गया। शत्रुघ्न ने झूठा पकड़ उसे घसीटना शुरू किया कि तभी भरत ने उन्हें शांत करते हुए मंथरा को उनकी पकड़ से छुड़ा दिया। पश्चाताप और ग्लानि की आग को शीतल करने के लिए तब दोनों भाई माता कौशल्या के पास पहुंचे। शोक और संताप से कौशल्या का शरीर सूख गया है। लगता है जैसे सोने की कल्पलता को पाला मार गया हो। भरत और शत्रुघ्न को देख उन्हें हृदय से लगाने को वो दौड़ी, किंतु मूर्छित होकर गिर पड़ी। भरत उनके चरण पकड़ विलाप करने लगे। कभी तो वो माता कौशल्या से दिवंगत पिता वनवासी राम लक्ष्मण तथा सीता के दर्शन करा देने की विनती करते हैं, तो कभी माता कैकेयी की करतूत पर सिर धुनते हैं। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन्ह विधि मो, मो समान को पात की पादि कहूं कछु तो। शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गातरि स कछु न बसाई। तेहि अवसर कुपरीत आई, बसन विभूषण विविध बनाई। लखिरिस भरयु लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। मगिलात तक कुबर मारा, परिमुह भर मही करत पुकारा। कुबर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। आह दैय मैं काह न सावा, करतनी कफलु अनै सपावा।
सुनिरी टुहन लखी नखसी कखोटी लगे घसीटन धरी धरी झोटी भरत दयानिधि धीनी छड़ाई कौसल्या पहिगे दू भाई मलिन बसन विवरण विकल कृष शरीर दुख भा कल्प बर बेली बन मान हूँ हने तुसार भरत ही देखी मातु उठि धाई मूर्छित अवनि परे छैयाई देखत भरतु विकल भय भारी परे चरण तन दशा बिसारी मातु तात कह दे ही देखाई कह सियरा मुलखनु दो भाई कह कई कत जन्मी जग माछा जो जन्मी तफई का है न बांझा कुल कलंक जही जन में मोही अप जस भाजन प्रिय जन द्रोही कोति भुवन मोहि सरिस अभागी गति असि तोरी मातु जे बिलागी पितु सुरपुर बन रघुबर के तू मैं केवल सब अनरथ है तू धिक मोहि भयो बेनु बन आगी दुसह दाह दुख दूषण भागी चन मृदु सुनी पुनी उठे संभार लिए उठाई लगाई लोचन मोचती बारी सरल सुभाय माय ही लाए अतिहित मन हूँ राम फिर आए भेटे बहुरी लखन लखु पाई सो कुसने नदय समाई देखी सुभाव कहत सब कोई राम मातु अस काहे न होई माता भर तू गोद बैठारे आंसु पोंछी मृदु बचन उचारे अजहु पच्छ बलि धीरज धरहु कुसमहु समुझि शोक परिहरहु जननी मान माता कैकेयी की कठोरता तथा कुटिलता की भर्त्सना करके भी भरत के हृदय में सुलगती आग शांत नहीं हुई। उधर क्रोधाग्नि में जलते शत्रुघ्न के सामने मंथरा जो आई तो उन्होंने एक लात जमा कर उसकी कुबड़ फोड़ डाली और झूठी पकड़कर उसे घसीटने लगे थे कि स्वभाव से दयालु भरत ने छुड़ाकर उसके प्राणों की रक्षा की।
भरत और शत्रुघ्न माता कौशल्या के समक्ष उपस्थित हैं। दिवंगत पिता तथा वनवासी राम लक्ष्मण और सीता को देखने के लिए बिलखते भरत को माता कौशल्या धीर गंभीर भाव से सांत्वना दे रही हैं। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने राजसी वस्त्राभूषण त्याग कर वलकल धारण किया। ऐसा करते उन्हें न तो विषाद हुआ और न ही हर्ष। मन में न आसक्ति थी न क्रोध। सबके संतोष के लिए जब वे वन को चले तो सीता भी उनके पीछे चल पड़ी। अग्रज के वन गमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण भी अयोध्या में नहीं रुके। भूषण बसन तात तजे रघुबीर बिसमौ हरषुन हृदय कछु पहिरे बलकलची रंग न रोषु सब कर सब विधि करि परितोषु चले विपिन सुनी सिय संग लागी रहई न राम चरण अनुरागी सुनत ही लखनु चले उठी साथा रह ही न जतन किए रघुनाथा तब रघुपति सब ही सिरुनाई चले संग सिया अरु लघु भाई राम लखनु सिया बन ही सिधाए गयू न संग न प्राण पठाए यहु सब भाइन आँखि न आगे कहु न तजातनु जीव अभागे मोहिन लाज निज नेहु निहारी राम सरिस सुत मैं महतारी जे भूपति जाना मोर हृदय सत पुलिस समाना कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवास व्याकुल बिलपत राजग्रह मानहु शोक निवास बिलपहि बिकल भरत दो कौशल्या लिए हृदय लगाए भांति अनेक भरतु समुझाए कही विवेकमय वचन सुनाए भरत हूँ मातु सकल समुझाई कही पुराण श्रुति कथा सुहाई छ
छल विहीन सुचि सरल सुबानी बोले भरत जोरी जुग पानी जे अखमा तु पिता सुत मारे गाई गोठ महिसुरपुर जारे जे अधतिय बालक बधकी है मीत मही पति माहुर दीन है जे पातक उपपातक अहि करम बचन मन भव कवि कहि ते पातक मोहि होहुं विधाता जो यहु होई मोर मत माता। जे परिहरि हरि हर चरण भजहि भूत गण घोर तेहि कई गति मोहि देव विधि जो जननी कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी देव विदूषक विश्व विरोधी लोभी लंपट लोलुपचारा जेता कहीं पर धनु पर दारा पाओ मैं तिन्ह के गति धोरा जो जननी यहु सम्मत मोरा जे नहीं साधु संग अनुरागे परमारथ पथ विमुख अभागे जे न भजहि हरि नर तनु पाई जिन्हहि न हरि हर सुजसु सोहाई श्रुति पंथु बाम पथ चलही वंचक विरचि वेश जगु छलही तिन्ह के गति मोहि संकर देउ जननी जो यहु जानु देउ पश्चाताप की आग में झुलस रहे भरत को माता कौशल्या हृदय से लगाकर धीरज बंधा रही हैं। ज्ञान के उदय होने पर भी चाहे मन का मोह न मिटे किंतु वो जानती हैं कि किसी अवस्था में भी भरत श्री राम से विमुख नहीं हो सकते। पुरोहित तथा कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ भरत को समयानुकूल उपदेश और लोकाचार की शिक्षा देकर दिवंगत महाराज के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि के लिए प्रवृत्त करते हैं। सरयू तट पर चंदन की सुंदर चिता सजाकर दाह संस्कार होता है और एक दिन शुभ घड़ी और लग्न देखकर राजसभा में मुनिवर वशिष्ठ मंत्रियों तथा महाजनों की उपस्थिति में युवराज भरत को नीति तथा धर्म पालन का उपदेश देते हैं।
वशिष्ठ निकट बैठा रे नीति धर्म मय वचन उचारे प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी के कई कुटिल कीन्ही जसी कर राम गुण सील सुभाव सजल नयन कुल के ओ मुनि राम बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी भरत भावी प्रबल बिलख कहउ मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजसु विधि हाथ। श्री रामचरित मानस का ये दोहा भारतीय जीवन दर्शन का मानो एक आधार स्तंभ है। राजा दशरथ की अंत्येष्टि तथा दशगात्र विधान संपन्न हो जाने के पश्चात मुनि वशिष्ठ ने राजसभा में भरत को धीरज बंधाते हुए ये वचन कहे थे। राजा दशरथ के निधन पर सोच करने का औचित्य नहीं है, सोच उस राजा के बारे में करना चाहिए जो नीति निपुण नहीं होता और जिसे प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं होती। मुनि वशिष्ठ ने इस प्रकार नारी वर्ग सहित समाज के विभिन्न वर्णों, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा अन्य लोगों के हित अहित और उन कार्यकलापों की चर्चा की जिनके कारण वे सोच करने के हेतु बनते हैं। राजा दशरथ तो सब प्रकार से बड़भागी थे, अतः उनके कारण विषाद व्यर्थ है। उन्होंने भरत को राज दिया है तो भरत को पिता के वचन को साकार करना चाहिए। जसु विधि हाथ अस बिचारी के ही दे दोसु व्यर्थ काहि पर कीजिय रूसु
बात विचारु करहु मन माही सोच जोगु दशरथ नृपु नाहि सोचिय विप्र जो भेद विहीन तज निज धर्म विषय ललीन सोचिय नृपति जो नीति न जाना जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना सोचिय बयसु कृपण धनवानो जो न अतिथि शिव भगति सुजानो सोचिय सुत्रु विप्र अवमानि मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानि पुनिपति पंचक नारी कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी सोचिय बटु निज प्रतु परिहरई जो नहीं गुर आय सुअनुसरई जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग बैखानस सोई सोचे जो तप बिहाई जेहि भावई भोग सोचिय पिसुन अकारण क्रोधी जननी जनक गुर बंधु विरोधी सब विधि सोचिय पर अपकार निज तनु पोषक निर्दय भार सोचनीय सब ही विधि सोई जो न छाड़ी चलु हरि जन होई सोचनीय नहीं कौशल राव भुवन चारि दस प्रकट प्रभाव भय न अहै न अब होनिहार भूप भरत जस पिता तुम्हारा विधि हरि हरु सुरपति दिसि नाथा पर नहीं सब दशरथ गुण गाथा सुवन सुचि जासु सब प्रकार भूपति बड़ भागी वादि विषादु करिय तेहि लागी यहु सुनि समझि सोचु परिहरहु सिर धरि राज रजाय सुकरहु राय राज पदु तुम कहु दीना
जय राम जे ही बचन ही लागे तनु परिहरे राम बिरहागे। नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा करहु तात पितु वचन प्रमाणा करहु शीस धरी भूप रजाई है तुम कह सब भांति भलाई। परशुराम पितु अज्ञारा की पारी मातु लोक सब साखी तनय जजाति चौबनु दयऊ पितु अज्ञा अग अज सुन भयऊ। अनुचित उचित विचारु तजी जे पालहि पितु बेन ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमर पति तथा शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में राम वनगमन, महाराज दशरथ का स्वर्गवास आदि जो भी घटनाएं घटी उनके फलस्वरूप भरत का हृदय ग्लानि से भर गया था। शोक और परिताप की ऐसी अवस्था में इस मनःस्थिति से उबारने के उद्देश्य से मुनिवर वशिष्ठ ने सांत्वना भरे जो उपदेश दिए प्रस्तुत प्रकरण में आप उनका वर्णन सुनेंगे। मुनि का उपदेश था, स्वर्गवासी महाराज का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग कर प्रजा का पालन करो। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करते देख श्री राम और जानकी भी सुख पाएंगे। श्री राम के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप कर स्नेह भाव से उनकी सेवा करना। मंत्रीगण ने भी भरत को गुरुवर वशिष्ठ की आज्ञा पालन करने का परामर्श दिया। माता कौशल्या ने अपने हृदय में धीरज धारण कर मुनिवर वशिष्ठ के उपदेशों का आदर करने का अनुनय किया। सिनरेश वचन फुर करहु पालहु प्रजा सोकु परिहरहु। सुरपुर नृप पाइहि परितोषु तुम कहु सुकृत सुजसु नहीं दोषु। विदित सम्मत सबही का जेहि पितु दे सो पावई टीका। करहु राजु परिहरहु गलानी मानहु मोर वचन हित जानी। सुखुलाहब राम बैदेही अनुचित कहब न पंडित केही। कौसल्यादि सकल महतारी तेउ प्रजा सुख होहि सुखारी।
तुम्हार राम कर जानी सो सब विधि तुम सन भल मानी सौंपे हूँ राज राम के आए सेवा करे कहही सचिव कर जोरी रघुपति आए उचित जस तस तब कर बहो पथ्य गुर आयसु अहई सो आदरिय करिय हितमानी तजिय विषादु काल गति जानी बन रघुपति सुरपति नर नाहू तुम एहि भांति तात कदराहू परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा तुम ही सुत सब कहावलंबा लखी विधि बाम कालु कठिनाई धीरज धरहु मातु बलि जाई सिर धरि गुर आयसु अनुसरहु प्रजा पाली परिजन दुख हरहु गुर के बचन सचिव अभिनंदनु सुने भरत हित जनु चंदनु सुनी बहोरी मातु मृदु बानी सील सनेह सरल ससानी सानी सरल रस मातु बानी सुनी भरतु व्याकुल भय लोचन सरोरुह स्रवत सींचत बिरह उर अंकुर नय सो दशा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुधि देह की तुलसी सराहत सकल सादर सीव सहज स्नेह की भरतु कमल कर जोरी धीर धुरंधर धीर धरी बचन अमिय जनु बोरी देत उचित उत्तर सबही सचिव सम्मत सब कीता मातु उचित धरियाय सुदीना अवशिष धरि चाहु स्वामी हित बानी सुनि मन मुदित करे भली जानी उचित की अनुचित किए विचारू
भर मुजाई सिर पातक भारू तुमताउ देहु सरल सिख सोई जो आचरत मोर भल होई यद्यपि यह समुझत हउनी के तदपि होत परितोष न जी के अब तुम विनय मोरी सुनी ले हूँ मोहि अनुहरत सिखावन उतरु देव क्षमब अपराधु दुखित दोष गुण गन ही न